सो हेलो फ्रेंड, आज की पढ़ाई में हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉमिक्स नागराज, और ये एक रीप्रिंट है जो कि आया है श्री संजय गुप्ता जी की तरफ से, और यहाँ इसकी संख्या है 0014। तो ये है नागराज का मैन कवर, और ये पीछे की तरफ आप ऐड देख पा रहे हो राजा पॉकेट बुक्स में भारत का नवीनतम उपन्यास सोतन की डोली। तो ये एक रीप्रिंट है, और जैसे स्टार्टिंग में आए थे इससे एज इट इज, ये वही जो अंदर की डिटेल वगैरह इसमें दी गई है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं डिटेल। राज कॉमिक्स के आगामी नए सेट में एक कॉमिक्स आएंगे, खूनी कारवां, नागराज की कब्र, पागल राजा, दो बेचारे, और ये कुछ अन्य कॉमिक्स थी। तो चलिए कहानी को करते हैं शुरू। और इसमें आतंकवादी गिरोह को तबाही का देवता कौन है? नागराज। तो कहानी शुरू होती है रंगून की एक आलिशान इमारत से, और यहाँ पर कुछ आतंकवादी नेता इकट्ठे हो रहे हैं और वो दहशत को अंजाम देने के लिए कुछ योजना बना रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सभी यहाँ खड़े हैं, और ये है नागदंत जिसने एक नवजात शिशु पर प्रयोग किया है और उसे बना दिया है एक किलिंग मशीन, और ये सभी खतरनाक शैतानों को यहाँ इकट्ठा करने के बाद इसकी बोली लगाएगा और इन्हें नए हथियार को दिखाएगा, और ये नया हथियार जो भी ऊंची बोली लगाएगा उसे ये बेच देगा। तो ये सभी कहते हैं भाई, यूसुफ बिन अली खान कहते हैं कि भी इसे कुछ करके दिखाओ, जब भी हम मानेंगे ये खतरनाक हथियार है या नहीं है। तो ये कुछ दिखाता है, ये नागराज इन सभी को मार देता है, उसके बाद इन्हें दोबारा जिंदा भी कर देता है, और उसके बाद ये आपस में कुछ बात करते हैं, और उसके बाद ये समुराई आता है, ये कहता है मैं मार्शल आर्ट का महारथी हूँ। ठीक है भाई, महारथी होगा, अपने घर में होगा, नागराज के आगे थोड़ी तो महारथी होगा। फिर भी होती है दोनों की जंग, और ये देखिए नागराज इन दोनों को समेट कर रख देता है, और ये दोनों हार मान लेते हैं, कहते मेरे बाप मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे आगे हार मानता हूँ। उसके बाद ये नागराज दिखाता है अपना कर्तव्य, दीवार पर चढ़कर दिखाता है, और ये लाल कोट वाला कहता है वाह क्या बेमिसाल हथियार है, इसे तो मैं ही खरीदूंगा, लेकिन इसे खरीदना इतना आसान थोड़ी होता भाई। फिर ये दिखाता है अपने हथेली से हाथ से सांप निकलते हुए, सांप की रस्सी बनाकर झूलते हुए। तो भाई ये यहाँ पर सारे हो जाते हैं पागल, कहते हैं भी बोली शुरू हो जाती। ये कहता है $5,000, दूसरा कहता है $10,000, कोई $15,000, कोई कहता है $1,00,000, ये बात। और ये मिस्टर बुलडॉग की बोली सबसे ऊँची होती है, तो भी बुलडॉग जीत जाता है, और ये यहाँ पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं। इसके बाद भाई बुलडॉग यहाँ से चला जाता है अपने हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ कर। जाने के बाद भाई ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, अच्छा नागराज भी साथ ही है इसके, नागराज को साथ ले जाता है, और ये पता नहीं कहाँ जाते हैं हेलीकॉप्टर में बैठकर। ये यहाँ अपने अड्डे पर उतरता है ये बुलडॉग, उतरने के बाद ये भी कहता बस एक छोटी सी घटना को छोड़कर सब ठीक है बॉस। कहता भी क्या घटना होगी तुम्हारे इलाके में? फिर ये बताता जी ऐसे ऐसे कुछ हुआ था, तो ये यहाँ बन जा रहे थे, इन्होंने हमला कर दिया था। तो भाई ये बुलडॉग चाय चुए पिलाता है नागराज को, और उसके बाद कहता नागराज भाई तू जा, ये देखी जा, और वहाँ जाकर उस सिचुएशन को संभाल। तो भी नागराज निकल पड़ता है जंगल की ओर, जंगल में ही जाता है, जंगल के रास्ते सामने आता है शेर। तो भी नागराज इस अच्छा शेर को तो ये भगा देता है ये बफेलो, उसके बाद ये बफेलो नागराज पे कर देता है अटैक, और नागराज अपने एक ही वार में इस बफेलो को कर देता है चित, और ये शेर को भाई अपना दोस्त बनाता है, पता नहीं क्या करता है, अच्छा दोस्त बनाता है। फिर ये इस नदी को पार करके इस गाँव में चला जाता है, और गाँव में जाने के बाद भी ये यहाँ पर कुछ नुकसान करने वाला है, क्योंकि अभी ये एक खतरनाक किलर है, और ये दीवार पर चढ़कर ये अच्छा ये मंदिर में जाकर ये चुरा के लेने लाने की फिराक में है, लेकिन भगवान के आगे किसकी चल पड़ती है। और उसके बाद भी यहाँ पर ये अपने हथियार फेंकता है, और ये भगवान के साथ ये सांप होते हैं कुछ, यहाँ पर इस सब की लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार ये है मूर्ति को लेकर उठा लेता है, और जैसे ही भागने वाला होता है तो इन गांव वालों को पता लग जाता है, और ये गांव वाले इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद काफ़ी ख़तरनाक घमासान यहाँ युद्ध हो चुका है, और लेकिन ये वापस इनके ऊपर सांप छोड़ देता है अपने बचाव के लिए, लेकिन ये सबको उठा उठा कर मारने लगता है, और इस तरह से ये यहाँ से निकल जाता है नागराज। लेकिन ये गांव वाले इसका पीछा नहीं छोड़ते, अरे पीछा क्यों छोड़ेंगे यार, क्योंकि इनका भगवान को लेकर भाग रहा है, और ये ऊपर से पत्थर बरसाता है, पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन ये भागने में कामयाब हो जाता है, और ये मूर्ति को
लेकर आ गया हूँ, ये कहता राका को, और ये राका को मूर्ति दे देता है। अच्छा नहीं देता है, लेकिन ये सारे इसके ऊपर गन तान लेते हैं और कहते हैं मूर्ति हमें दे वरना हम तुझे मार डालेंगे। लेकिन ये अपने सांप इन पर छोड़ देता है अपनी विष फुहार और सभी को मार देता है, बेहोश कर देता है और खुद जीप में बैठकर कहीं जाता होता है। तो रास्ते में भी एक पेड़ पड़ जाता है जिसे गिराया है पेड़ ने, वह ये है इनका नाम तो है यार, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ये इनसे मूर्ति मांगते हैं बाबा जी, लेकिन ये कहता है नहीं मैं आपको मूर्ति नहीं दे सकता, ये मूर्ति मैंने बुलडॉग के लिए चुराई है। तो बाबा कहते हैं भैया अच्छा बाबा गोरखनाथ हैं ये, हाँ जी नाम भूल गया था मैं, ये कहते इसको पता है नागराज को कि कहीं है बाबा गोरखनाथ तो नहीं है। और गोरखनाथ को पता चल जाता है कि ये मेरे बारे में पूछ रहा है, तो भाई ये नहीं मानता नागराज। तो उसके बाद ये गोरखनाथ जी अपना फंदा इसके गले में डाल देते हैं और यहाँ पर ये मतलब अटैक करना चाहता है, लेकिन अटैक इसका कामयाब नहीं होता है नागराज का, क्योंकि ये बाबा गोरखनाथ हैं और ये नागराज के भी गुरु हैं। और यहाँ पर आता है सिकांगी, सिकांगी एक नेवला जो नागराज के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से परास्त कर देता है, उसके चारों ओर एक ये कुछ जादुई लकीर खींच देता है सिकांगी बाबा गोरखनाथ का ये नेवला है जो, और उसके बाद ये बेहोश हो जाता है। और उसके बाद ये बाबा गोरखनाथ नागराज को उठाकर अपने अपने कुटिया में ले जाते हैं और वहाँ पर इसका इलाज करते हैं और उसे पूरी जानकारी देते हैं, उसके उसका भविष्य दिखाते हैं, सॉरी भविष्य नहीं उसका वर्तमान दिखाते हैं कि कैसे नागदंत उसे उठाकर ले गया था बच्चे को और कैसे उसने एक उसे किलिंग मशीन बना दिया था अपने स्वार्थ के लिए। और यहाँ पर सब पता चल जाता है और उसके बाद ये पूरी घटना मतलब नागराज को दिख रही है अपने सपने के अंदर कि कैसे उसने इस बच्चे के ऊपर जहरीले सांपों का जो सांप वो विष होता है वो शरीर में डालने के बाद उसके ऊपर काफ़ी प्रयोग किए और काफ़ी प्रयोग करने के बाद नागराज को एक किलिंग मशीन बना दिया था। तो ये सब देखने के बाद ये नागराज को कुछ अजीब सा लगता है और ये देखिए यहाँ पर ये कहता है कि अब तुम ठीक हो, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, बहुत तरोताज़ा, मैंने कोई मन से कोई बोझ हट गया हो। तो उसके बाद ये सारी घटना इन्हें बताता है कि नागराज की भी ऐसे ऐसे बात थी और मैं ये था। तो कहता है भी बताते हैं बाबा गोरखनाथ भी, ये भी काला नेवला सिकांगी नस्ल का होता है जिसके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। तो पूरी जानकारी देने के बाद बाबा गोरखनाथ नागराज को समझाते हैं और नागराज का नया जन्म हो चुका था, उसे बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था और वह आतंकवादी गिरोहों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। तो भाई यहाँ से एक जो नागराज था केलिंग मशीन वो एक नया नागराज बनकर जिसे बनाया था बाबा गोरखनाथ ने अपने आशीर्वाद से और उसे एक नए मिशन पर भेज देते हैं। तो यहाँ हो जाती भी कहानी ख़त्म, इसके आगे की जो कहानी होगी वो नेक्स्ट कॉमिक्स में आएगी, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। और ये कुछ डिटेल दी गई है यहाँ पर भारत पॉकेट बुक्स में, भारत का नवीनतम उपन्यास सोतन की बेटी, और ये इनके दर्शन कर लीजिए, ये हैं राजन इकबाल सीरीज के जन्मदाता एस सी बेदी जी। और ये कुछ डिटेल दी गई है राज कॉमिक्स की, पुरानी कॉमिक्सों की, और ये पीछे की डिटेल मैंने आपको दिखा ही दी थी। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, नागराज की फर्स्ट कॉमिक्स है ये, और आगे हम आपके लिए डोगा की नेक्स्ट कॉमिक्स फर्स्ट कॉमिक्स लेकर आएंगे डोगा की ध्रुव की, और इसके अलावा भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आएंगे ये आज की कहानी आज की पढ़ाई में ये कॉमिक्स है शैतान जो कि है गगन की और ये है विनाश दूत। तो इन दोनों का एक जॉइंट कॉम्बिनेशन आया था, तो इन दोनों की इस जॉइंट कॉम्बिनेशन के ऊपर आपके लिए जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू।